क्या आपके साथ जाएगा, क्या ले आए थे आप? कुछ नहीं, अकेले आए थे। जब जाने लगोगे तो अकेले जाओगे, लेकिन इस माया में, इसमें ऐसे जड़ माया में फंस गए हो कि तुमको अपना होश ही नहीं है कि मुझे, मैं किस रास्ते से आया हूँ, कैसे वापस जाऊँगा, रास्ता भूल गए। अब महात्मा महापुरुषों की जरूरत है कि वो रास्ता बताए। बिना उनके रास्ता बताए हुए जो जानता है वही रास्ता मनुष्य रूपी मकान में बताएगा। और तुम्हारा ये जो दिल है, ये हृदय जो कूड़ा कचरा पाप और पुण्य का यहाँ भरा, यहाँ नहीं, यहाँ कूड़ा कचरा नहीं है, ये सब यहाँ पर भरा हुआ, उसको महापुरुष साफ करेंगे। और फिर जब सफाई कर देंगे तो मन और बुद्धि और चित्त तुम्हारा निर्मल हो जाएगा। तो जीवात्मा जब साफ होगी तो आँख खुल जाएगी, कान भी खुल जाएंगे, सुनने भी लगना और देखने भी लगना। जब दिखाई देगा तो देवी देवताओं से मिलना भी, उनसे बात भी करना। और जो उसका रचने वाला जो है, जिसने ये सब कुछ बनाया, उसी दुर्गा भी दर्शन साक्षात्कार होगा। लेकिन तुम्हारे मनुष्य रूपी मंदिर में ही उसका घाट है, उसके पास जाने का। ये असली मंदिर है, ये मनुष्य मंदिर है। इसी को जिस्मानी मस्जिद कहते हैं, इसी बाडी को कहते हैं चर्च। इसमें जीवात्मा बैठी हुई, और जीवात्मा चेतन है, शरीर जड़ है, इसमें आकर के फंस गई। अब इसको कैसे निकाला जाएगा वो तो महात्मा जब युक्ति बताएंगे, रास्ता बताएंगे, तो धीरे से ये जीवात्मा, मतलब ये जाग जाएगी और निकल के बाहर, शरीर से बाहर खड़ी हो जाएगी। कैसे खड़ी होती है? जैसे मृत्यु के वक्त में जबरदस्ती निकाल के बाहर कर दिया शरीर, ये पड़ा। ऐसे ही साधन भजन करने पर जीवात्मा अलग हो जाती है और शरीर ये पड़ा वो अलग हो गई, तभी तो आप परमात्मा को देख सकोगे। जीत है जी, सबने कहा है कि मनुष्य रूपी मंदिर में जीवात्मा को घाट पर ला करके जगाओ तो दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु खुल जाए, तो जीते जी भगवान को पाओ।